उधम सिंह नगर पुलिस ने वन विभाग की टीम पर फायरिंग करने के एक आरोपी तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम गुरमीत सिंह उर्फ केजी है, जिसके पास से पुलिस ने 12 बोर की एक बंदूक और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। गुरमीत के खिलाफ वन अधिनियम के तहत पहले से 30 मुकदमे दर्ज हैं। 6 सितंबर को पीपल पड़ाव रेंज में वन विभाग की टीम का वन तस्करों से सामना हुआ था। तस्करों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसका लाइव वीडियो भी सामने आया था। मुठभेड़ के दौरान छर्रों से 4 वन कर्मी घायल हुए थे। पुलिस का कहना है कि जल्द ही बाकी फरार वन तस्करों की भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। प्रदेश में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं के खिलाफ रुद्रपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इससे पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर में जुलूस निकाला। पूर्व सीएम हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत कई नेता इसमें शामिल हुए। हरीश रावत ने बीजेपी पर हमलावर होते हुए कहा कि केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार जनहित के मुद्दों पर फेल हो चुकी है। वहीं यशपाल आर्य ने कहा कि पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है। प्रदेश की धामी सरकार ने प्रदेश को अपराधियों के हाथों में सौंप दिया है। भाजपा की सरकार, चाहे केंद्र की हो, राज्य सरकार हो, हर फ्रंट पर फेल, जन कल्याण के फ्रंट पर, समाज की सुरक्षा के सवाल पर, महिला सुरक्षा, दलित सुरक्षा, पिछड़ों की सुरक्षा, नौजवानों के रोजगार के फ्रंट पर, महंगाई के फ्रंट पर, हर फ्रंट पर ये फेल है। महिलाएं बहनें हमारी असुरक्षित हैं, लोगों लगातार हत्याएं, अपहरण, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, सरकार खामोश है। धामी सरकार के खिलाफ हल्द्वानी में भी कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया है। यहाँ कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार को चूड़ियां दिखाई। कांग्रेस ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध और अत्याचार बढ़ता जा रहा है। महिलाओं को सुरक्षा देने में धामी सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है, इसलिए सरकार को अब चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। हरीश रावत ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर धामी सरकार के खिलाफ मौन उपवास पर बैठने और पदयात्रा निकालने का भी ऐलान किया है। हरीश रावत का कहना है कि हरिद्वार पुलिस रानीपुर मोड़ पर ज्वेलरी शोरूम में दिन दहाड़े हुई 5 करोड़ की डकैती के आरोपियों को भी नहीं पकड़ सकी। हरीश रावत ने चेतावनी दी कि यदि 11 सितंबर की शाम तक पुलिस डकैतों को पकड़ने में नाकामयाब रहती है तो 12 सितंबर को पहले वो मौन उपवास करेंगे, फिर पदयात्रा करेंगे। 11 तारीख को मैं भी शंकराचार्य चौक के आसपास 1 किलोमीटर पदयात्रा करूंगा 11 तारीख को। यदि तब तक लुटेरे नहीं पकड़े गए तो डकैत नहीं पकड़े गए। बदहाल कानून व्यवस्था के खिलाफ हरीश रावत के मौन उपवास और पदयात्रा वाले ऐलान को लेकर बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता आरपी रतूड़ी ने कहा कि हरीश रावत हमेशा सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं, इसलिए ऐसे ऐलान करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि जब हरीश रावत सीएम थे तब प्रदेश के कोई भी मुद्दे को नहीं सुलझा पाए। मीडिया में रहने की एक अच्छी आदत है कि किस तरह से रहना है। ये सारे जब मुख्यमंत्री थे तो चाहे वो राजधानी का मामला हो उसे क्यों नहीं सुलझाया, बहुत सारे अन्य मामले थे उन्हें क्यों नहीं सुलझाया जो आप उपवास करना पड़ रहा। ये केवल राजनीतिक नौटंकी है उनकी, वो अपने आप को सोशल मीडिया हो चाहे मीडिया हो ये छाए रहने के लिए इस तरह का नाटक करते हैं। टीरी झील से लगे उत्तरकाशी के अंतिम गांव भल्ड में अब तक विस्थापन ना किए जाने से नाराज ग्रामीणों ने THDC के अधिकारियों को बंधक बना लिया। भल्ड गांव के लोग पिछले 14 दिनों से विस्थापन की मांग को लेकर टिहरी झील के किनारे धरने पर बैठे हैं। अधिकारी ग्रामीणों से बात करने के लिए पहुंचे थे, इसी दौरान लोगों ने उन्हें बंधक बना लिया। लोगों का कहना है कि ऐसे आश्वासन पहले भी दिए जा चुके हैं, अब जब तक विस्थापन का काम नहीं किया जाएगा तब तक अधिकारियों को नहीं छोड़ेंगे। भल्ड गांव के 50 परिवार लंबे समय से सरकार और प्रशासन से विस्थापन की मांग कर रहे हैं और अब तक कोई सुनवाई ना होने का आरोप लगा रहे हैं। रुद्रप्रयाग में केदार घाटी के कई गांवों में गैर हिंदुओं की एंट्री को लेकर लगाए गए साइन बोर्ड से विवाद खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने बोर्ड लगाकर बाहरी और समुदाय विशेष के लोगों को चेतावनी दी है कि वो अगर गांव में प्रवेश करते हैं तो उन्हें 5,000 रुपए का अर्थदंड देना पड़ेगा। साइन बोर्ड लगाने पर विवाद बढ़ा तो पुलिस हरकत में आई और साइन बोर्ड हटाने का काम शुरू कर दिया गया।
वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में फेरी के नाम पर घुसने वाले अनजान लोग ग्रामीणों को ठगते हैं, आपराधिक घटनाओं को भी अंजाम देते हैं। ग्रामीणों ने कहा कि बाहरी लोगों का सत्यापन बहुत जरूरी है और चेतावनी के तौर पर उन्होंने साइन बोर्ड लगाए हैं। बाहरी व्यक्ति जिनका सत्यापन नहीं है या जिनके पास कोई परिचय पत्र नहीं है, इस तरीके से लोग गांव में जाते हैं और गांव में गलत तरीके से महिलाओं को ठग के, और गांव में हमारे मंदिर होते हैं, मंदिरों में हमारे कभी भी ताले नहीं लगे होते हैं, किसी भी मंदिर में जो हमारे अपने मंदिर होते हैं, जो हमारे कुल देवता के मंदिर होते हैं, उनमें ताले नहीं होते हैं। और पूर्व में भी हमारे मंदिर में चोरी हुई है, और ऐसे ऐसे चोरी के कारण इस तरीके से बोर्ड लोग अपने सचेत होने के लिए, अपने एक जागरूकता के माध्यम से ये बोर्ड लग रहे हैं कि भाई लोग गांव में जागरूक रहें। किसी का कोई होटल है, किसी का घोड़े खच्चर है, तो गांव में सिर्फ महिलाएं ही रहती हैं, हम सब लोग मार्केटों में हैं। तो होता क्या है, कई बार हमने देखने को मिला है कि बिना सत्यापन के कभी लोग गाँव में चले जाते हैं फेरी वाले ये, और शराब के नशे में या किसी के साथ अभद्रता करते हैं, और बार बार हमें गांव में जाके उन लोगों को नीचे लेके आके, मतलब जो भी होता है वो आप लोग समझ सकते हो कि मारपीट तक ही मामला आ जाता है। तो हम चाहते हैं जब से ये बोर्ड लगे हुए हैं तो गांव में कोई भी फेरी वाला नहीं जा रहा है और सभी लोग सुख और शांति के साथ रह रहे हैं। पौड़ी में नागरिक कल्याण मंच के लोग 9 सूत्रीय मांगों को लेकर 10 दिन से धरने पर बैठे हैं। समिति से जुड़े लोगों का आरोप है कि मंडल मुख्यालय पौड़ी में मंडलीय अधिकारी अपने कार्यालयों का संचालन देहरादून से कर रहे हैं। रांची स्टेडियम के पास पर्यटक आवास गृह का काम भी लटका हुआ है। इसके अलावा ल्वाली झील के पुराने निर्माण कार्य की जांच करने, शहर के बीच स्थित पुरानी जेल के परिसर में म्यूजियम की स्थापना करने और पौड़ी सीता माता मंदिर कोट से देवप्रयाग तक धार्मिक पर्यटन सर्किट योजना को लागू करने की भी मांग है। हमारा जो है आज 10वां दिन है और हमारी जो है कई बार यहाँ से मांगों की सूचना शासन को, मुख्यमंत्री को, सभी को दे दी है हमने, लेकिन अभी तक जो है न कोई सुनवाई है, न कोई हमको जो है इसका आश्वासन मिला है, और पता नहीं क्यों हमारा जो है मंत्रालय, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री इस मामले में जो है चुपचाप बैठे हुए हैं, हमारी कोई मांगे नहीं पूरी कर रहे हैं। हम लोग जो है संगठित होकर के जो है लगातार यहाँ पर इतनी मांगों को पुकार रहे हैं, मतलब पौड़ी के विकास के लिए, और पौड़ी में जो है जितने भी मंडल स्तर के इन्होंने कार्यालयों को स्थापित करने की बात करी थी, तो जियो तो बना है लेकिन उनको सारे जो है देहरादून ले गया है, तो उसके लिए कभी कई बार जो है मांगे हो रही है, तो अब इसके लिए हमने क्या करना है, इसके बारे में जो है जरा आगे हमें और संघर्ष करना पड़ेगा, इन लोगों से वार्ता करनी पड़ेगी, और इन मांगों को जब तक पूरी नहीं होंगे एक कार्यक्रम हमारा बराबर चलता रहेगा। रुड़की में हुआ रिश्तों का कत्ल। मंगलौर कस्बे में घर में खून से लथपथ 22 साल की युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच की तो पता चला कि प्रेम प्रसंग के चलते भाई ने ही अपनी बड़ी बहन का गला रेत कर हत्या कर दी। मौके से ही पुलिस ने आरोपी भाई को हिरासत में ले लिया और शव का पंचनामा भर कर उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। फिलहाल फोरेंसिक टीम के साथ पुलिस तमाम पहलुओं की जाँच पड़ताल करने में जुटी है। हल्द्वानी में भारी बारिश के बाद उफनते देवखड़ी नाले में बह गई स्विफ्ट कार, बाल बाल बचा कार में सवार परिवार। कार पहले देवखड़ी नाले में फंस गई, फिर बहने लगी। कार में एक छोटी बच्ची और उसके माता पिता बैठे थे। कार जब फंसी तो नाले के पास कुछ लोग मौजूद थे, उन्होंने बहादुरी दिखाते हुए बच्ची और उसके माता पिता को सुरक्षित कार से निकाल लिया। इसके बाद कार उफनते नाले में बह गई। जरा सी देर होने पर बड़ा हादसा हो सकता था। प्रशासन और पुलिस लगातार बरसात के दौरान जब उफनते नदी नालों को पार ना करने की अपील कर रही है, बावजूद इसके लोग जान जोखिम में डालकर नदी नालों को पार कर रहे हैं। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।